एक्शन। सच में स्वाति, इससे ज्यादा थैंकलेस नौकरी तो कोई है ही नहीं। और वैसे हैट्स ऑफ टू यू, सच में 24 घंटे काम करती रहती हो, वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। वाह, सच में। वैसे मैं तो ये सब कभी ना करूं, बहुत भुगत चुकी हूं मैं स्वाति ये सब। पता है इसलिए मैंने क्या किया, मैं स्कूल में जाकर टीचर बन गई। वहां पे मेरे स्टूडेंट्स है ना, इतने छोटे छोटे, सब मुझे थैंक यू टीचर कहते रहते हैं बात बात पर। क्लास शुरू होने से पहले थैंक यू टीचर, क्लास खत्म होने के बाद थैंक यू टीचर, तभी तो और खुशी से बोलते हैं, इतना स्माइल करके। वैसे स्वाति देखो, एक बात ध्यान से सुन लेना, तुम जितना काम का बोझ अपने सर पर लेते जाओगे ना, ये उतना ही बोझ तुम्हारे सर पर बढ़ाते रहेंगे। हाँ, थोड़ा स्मार्ट बनो मेरी तरह, बाहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी कर लेगा, है ना? तुम्हें क्या लगता है, ये सब लोग एक दिन मिलकर तुम्हें अच्छा सा कोई नोबेल प्राइज देंगे? गलत फहमी में मत रहना स्वाति। वैसे स्वाति, तुमने एमबीए की पढ़ाई की है ना? नहीं मतलब, अगर तुम्हें हाउसवाइफ ही बनना था तो एमबीए की पढ़ाई क्यों की? हाँ मतलब, टाइम और पैसे दोनों बेस्ट है ना। खैर कोई बात नहीं, मेरी तरह थोड़ी स्मार्ट बनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना?